हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस फिल्म में। आज की इस वीडियो में मैं आपको साउथ की 8 ऐसी नई दिमाग हिला देने वाली मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर मूवीज के बारे में बताने वाला हूं, जो यूट्यूब पर हिंदी में अवेलेबल है। इन सभी मूवीज को IMDb की तरफ से 4.5 से लेकर 7.3 आउट ऑफ 10 तक का रेटिंग दिया गया है, और इस लिस्ट में से लगभग मूवीज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने इन सभी मूवीज को पहले से ही देख लिया है तो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। तो बिना के बने रहे इस वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि हमेशा की तरह लास्ट में मैं बोनस मूवी भी बताऊंगा। तो फिर देर किस बात की, आइए देखते हैं टॉप 8 न्यू साउथ मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर मूवीज। लेकिन काउंटडाउन स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने फिल्मी मेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। नंबर 8, यवनावन। साल 2017 में रिलीज हुई एक क्राइम ड्रामा मूवी है, जिसको लव अटैक नाम से हिंदी में डब किया गया है। इस मूवी को 79% गूगल ने लाइक किया है। इसके लीड रोल में आपको सोनिया अग्रवाल, विंसेंट अशोकन, अखिल संतोष के साथ और भी कई स्टार्स देखने को मिल जाएंगे। इस मूवी में एक लड़की का किडनैप हो जाता है और उसके फियांसे प्राइम सस्पेक्ट के रूप में सामने आता है। तो आगे मूवी में क्या क्या होता है, ये सब आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। इस मूवी को यूट्यूब पर हिंदी में अनऑफिशियली अपलोड किया गया है। नंबर 7, मुनोदी। साल 2017 में रिलीज हुई ड्रामा थ्रिलर मूवी है, जिसको डेंजरस विलन नाम से हिंदी में डब किया गया है। इस मूवी को IMDb की तरफ से 4.5 आउट ऑफ 10 का रेटिंग दिया गया, वहीं 76% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। इस मूवी के लीड रोल में आपको यामिनी भास्कर, सिजोय बर्गीस और हरीश के साथ और भी कई स्टार्स देखने को मिल जाएंगे। इस मूवी में सत्य अपने छोटे भाई अरविंद से नफरत करता है, जिससे उसकी माँ भी परेशान रहती है। फिर सत्य एक लोकल गैंगस्टर मधिरा मूर्ति के साथ हाथ मिला लेता है। तो आगे मूवी में क्या क्या होता है, ये सब आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। इस मूवी को यूट्यूब पर हिंदी में अनऑफिशियली अपलोड किया गया, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 6, पजाया बनर पिताई। साल 2016 में रिलीज हुई है ड्रामा थ्रिलर मूवी है, जिसको असली मुजरिम नाम से हिंदी में डब किया गया है। इस मूवी को IMDb की तरफ से 5.1 आउट ऑफ 10 का रेटिंग दिया गया, वहीं 85% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। इसके लीड रोल में आपको प्राचीन, रिचर्ड रिसी, रोबो शंकर के साथ और भी कई स्टार्स देखने को मिल जाएंगे। इस मूवी में पुलिस एक पॉलिटिशियन के मर्डर केस के सस्पेक्ट के रूप में 5 कॉलेज स्टूडेंट को अरेस्ट कर लेती है, जिसमें से एक को दोषी करार दिया जाता है और बाकी को छोड़ दिया जाता है। यह एक पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर मूवी है, जो आपको लास्ट तक एंगेज रखती है। इस मूवी को आप हिंदी में बी फॉर यू मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। नंबर 5, यानुंग थियावन। साल 2017 में रिलीज हुई एक्शन क्राइम मूवी है, इसको ढूंढती आंखें नाम से हिंदी में डब किया गया है। इस मूवी को IMDb की तरफ से 6 आउट ऑफ 10 का रेटिंग दिया गया, और 77% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। इस मूवी के लीड रोल आपको अश्विन जियोरम, वर्षा बोलामा और राजू सुंदरम के साथ और भी कई स्टार्स देखने को मिल जाएंगे। इस मूवी में एक पति और पत्नी को एक सीरियल किलर के द्वारा किडनैप कर लिया जाता है, जिसके बाद ये मूवी इन तीनों के इर्द गिर्द घूमती है। तो आगे मूवी में क्या क्या होता है, ये सब आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। इस मूवी को यूट्यूब पर हिंदी में अनऑफिशियली अपलोड किया गया, तो जल्द इस मूवी को देख लीजिए। नंबर 4, निर्वाणा इन। साल 2019 में रिलीज हुई मिस्ट्री साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है, जिसको इसी नाम से हिंदी में डब किया गया है। इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 का रेटिंग दिया गया, वहीं 90% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। इस मूवी के लीड रोल में आपको राजश्री देशपांडे, अखिल हुसैन, संध्या मृदुल के साथ और भी कई स्टार्स देखने को मिल जाएंगे। यह मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एक बोटमैन यानी नाव चलाने वाला आदमी एक हिमालयन रिजॉर्ट निर्वाणा इन का केयर टेकर बन जाता है, जिसके बाद उसके साथ अजीबो गरीब हादसा होने लगता है। इस मूवी में आपको जबरदस्त वाला मिस्ट्री, क्राइम, सस्पेंस और थ्रिल देखने को मिलेगा, जिसको यूट्यूब पर हिंदी में अनऑफिशियली अपलोड किया गया है, और आप इसे मेरे टेलीग्राम चैनल से भी देख सकते हैं। नंबर 3, राजा रंगुस्की। साल 2018 में रिलीज हुई मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसको इसी नाम से हिंदी में डब किया गया है। इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 का रेटिंग दिया गया, और 92% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। इस मूवी के लीड रोल में आपको चांदनी तमिला शरण, शिरीष सरवनन, अनुपमा कुमार के साथ और भी कई स्टार्स देखने को मिल जाएंगे। इस मूवी में राजा एक पुलिस कांस्टेबल है, जो एक राइटर रंगुस्की से प्यार करने लगता है। हालांकि वह जल्द ही रंगुस्की की पड़ोसी मारिया के मर्डर केस में फंस जाता है। तो वह अपने आप को बेगुनाह साबित कैसे करता है, ये सब आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। इस मूवी को यूट्यूब पर हिंदी में अनऑफिशियली अपलोड किया गया, और आप इसे हिंदी डब में मेरे टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं। नंबर 2, मंत्रा। साल 2007 में रिलीज हुई ये हॉरर थ्रिलर मूवी है, जिसको इसी नाम से हिंदी में डब किया गया है। इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 का रेटिंग दिया गया, और 84% गूगल
यूजर ने इसे लाइक किया है। इस मूवी के लिए जो मैं आपको चार्मिक और कौशा राज शिवाजी के साथ और भी कई स्टार्स देखने को मिल जाएंगे। इस मूवी में मंत्रा अपने पैतृक घर को बेचना चाहती है जो कि हॉन्टेड है, और घर खरीदने वाला चाहता है कि उसमें कुछ लोग 3 महीनों के लिए रहे, जिसके बाद मंत्रा उस घर में रहने का डिसीजन लेती है। तो उसके साथ उस घर में क्या क्या होता है ये सब आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। इस मूवी को यूट्यूब पर हिंदी में अनऑफिशियली अपलोड किया गया, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 1 AK वर्सेज AK। साल 2020 में रिलीज हुई ये मूवी ड्रामा मिस्ट्री पर आधारित है। इस मूवी को IMDb की तरफ से 7.3/10 का रेटिंग दिया गया और 82% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। इस मूवी के लिए जो मैं आपको अनिल कपूर, अनुराग कश्यप और सोनम कपूर के साथ और भी कई स्टार्स देखने को मिल जाएंगे। इस मूवी में एक फिल्म डायरेक्टर को एक बड़े फिल्म स्टार से झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद डायरेक्टर फिल्म स्टार की बेटी को किडनैप कर लेता है और उसे अपने बेटी को ढूंढने के लिए चैलेंज करता है। शर्त यह है कि ना ही उसे पुलिस की मदद लेना और ना ही किसी और का। इस मूवी में आपको जबरदस्त मिस्ट्री ड्रामा देखने को मिलेगा जो आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक एंगेज रखती है। इस मूवी को आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके देख सकते हैं। बोनस मूवी जेम्स बॉन्ड। साल 2015 में रिलीज हुई एक कॉमेडी एक्शन मूवी है जिसको लेडी गैंगस्टर नाम से हिंदी में डब किया गया है। इस मूवी को IMDb की तरफ से 5.3/10 का रेटिंग दिया गया और 89% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। इस मूवी के लीड रोल में आपको साक्षी चौधरी, अलारी नरेश, जयाप्रकाश रेड्डी के साथ और भी कई स्टार्स देखने को मिल जाएंगे। इस मूवी को यूट्यूब पर हिंदी में अनऑफिशियली अपलोड किया गया, तो जल्द इस मूवी को देख लीजिए। इसके साथ ही मैंने 2020 में रिलीज हुई दो जबरदस्त मिस्ट्री क्राइम सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज तकदीर और क्रिमिनल जस्टिस 2 को अपने टेलीग्राम चैनल पर दिया है, तो आप वहां से इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये थी टॉप 8 न्यू साउथ मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर मूवीज। आगे आप किस टॉपिक पर मूवीज देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और अपने फिल्मी मेट्स के साथ शेयर कीजिए। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा, user ID @filmimate, ताकि आपको नए नए मूवीज और वेब सीरीज के अपडेट्स वहाँ भी मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।